नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटा का पीठा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम तीन तरह से पीठा बनाएंगे। एक ये मावा है, खोआ, और ये आलू उबाल के इसको हम तोड़ लिए हैं, और ये मटर है। मटर का सीजन है अभी, और तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मटर को हम बॉयल करके और इसे आलू मैशर से हम मैश लिए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और ये है चावल का आटा। तो सबसे पहले हम खोआ को अभी साइड करते हैं। ये मटर है, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और ये आलू में भी आलू थोड़ा ज्यादा है तो इसमें नमक ज्यादा ही पड़ेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये आमचूर का पाउडर, ये ज्यादा है आलू तो आलू में थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम डालेंगे। चाट मसाला से बहुत ही चटपटा बनेगा, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च का पाउडर, ये भुना हुआ धनिया का पाउडर है, इसे हम भून लिए हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें हम सब डाल दिए हैं, अब सबको हम मिक्स कर देते हैं। और ये खोआ है, खोआ में हम ये दो बड़े चम्मच नारियल का बुरादा लिए हैं, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, पिस्ता और ये किशमिश, सब इसमें हम डाल देते हैं। और एक चम्मच चीनी डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो हम इधर तब तक गैस पर कढ़ाई रख देते हैं, पानी, ये गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम पानी डाल दिए हैं, उसमें हम एक चम्मच तेल डाल दिए हैं, इससे आटा बहुत ही नरम बनेगा। तो पानी को हम उबलने देते हैं, तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया है, हम इससे आटा लगा लेते हैं, बहुत गर्म है। आटा लगा के हम 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल रोटी के डो की तरह आटा लगाना है। ये देखिए आटा लग गया है। अब इसका हम लोई तोड़ेंगे। आप गोल, लंबा, किसी भी आकार में आप बना सकते हैं। इतना बड़ा हम लोई तोड़े हैं, इसको हम इस तरीके से, और ये देखिए खोवा वाला है, इसको हम भर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस पर हम इसका खोवा का फिलिंग डाले हैं। सब तरफ से इसका मुंह बंद कर दिए हैं। इस तरीके से सबको हम बना बना के रख लेंगे। आप चाहें तो लंबा भी बना सकते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा चावल का आटा लगा लेते हैं,
फिर इस तरह से हम लोई तोड़ लेते हैं। एक हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसमें हम फिलिंग डालें, आप जितना डालना चाहते हैं। आप इस आकार में भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद आए वैसा आप बनाएं। इसी तरीके से हम वो मटर वाला भी और आलू वाला भी भर के तैयार कर लेते हैं। तब तक हम इधर भर के इसको तैयार करते हैं, उधर गैस पर हम पानी चढ़ा देते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सबको भर लेते हैं। तो चलते हैं उधर गैस पर, ये हम पानी गर्म होने रख दिए हैं, तब तक हम इधर पूरा भर लेते हैं। ये पानी मेरा बॉयल हो गया, इसमें हम तेल लगा लिए हैं जाली में, और इस पर हम एक एक करके रख देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रख दिए हैं, थोड़ा सा अलग अलग हमको रखना है। तो इस पर हम सब रख दिए हैं और इसको हम ढक देते हैं। ये 12 से 13 मिनट तक इसको हम ढक के छोड़ देते हैं, इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा और ये बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं और जो बचा हुआ है उसमें हम मसाला भर लेते हैं। अब हम खोल के देखते हैं, ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं इसको। ये देखिए ये पीठा बनके तैयार हो गया है, हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं और हम आपको काट के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए ये देखिए इसमें खोवा भरा हुआ है, ये खोवा वाला है। एक और हम दिखाते हैं, ये देखिए ये मटर वाला है। आप चाहें तो इसको दो टुकड़ा करके या साबुत ही इसको आप फ्राई कर सकते हैं कड़ी पत्ता के साथ, आप जैसे भी खाना चाहें, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आलू वाला भी हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए आलू वाला। तो सब कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने घर में एक बार ज़रूर बना के देखें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप गुड़, जो गुड़ बाज़ार में आता है उसका भी बनाएं, ये भी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो ये जो हम मावा का पीठा बनाए हैं इसे आप दूध गाढ़ा करके उसमें डाल के खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।